कश्मीर घाटी में जेके बोस 10th एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक तैयारी व बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि बच्चे सुकून से इम्तिहान दे सके। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया है। बॉडी टेम्परेचर देखने के साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं। वहीं सर्दी व तापमान की गिरावट को देखते हुए बच्चों के लिए हीटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं। भारतीय सेना द्वारा बनिहाल में 1 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक शहीद कैप्टन अतुल सुमोरा क्रिकेट लीग 2021 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रामबन जिले के विभिन्न हिस्सों से 40 टीमों ने भाग लिया और ट्रॉफी के लिए बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। टूर्नामेंट नॉकआउट के आधार पर खेला गया था। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल के मैदान में आरसीबी बनिहाल और वॉरियर 11 बनिहाल के बीच खेला गया, जिसे आरसीबी बनिहाल ने जीत लिया। तजामुल इस्लाम अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुख्य अतिथि थे। मैच के बाद विजेता उप विजेता टीमों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जम्मू में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो डीपीसी 6 महीने में होनी चाहिए थी, वो 4 साल से नहीं हुई है। बहुत से कर्मचारी बिना बेनिफिट के रिटायर हो रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रशासन से कहा कि इससे पहले हम कोई सख्त कदम उठाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों बाजारों में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गैर कानूनी तौर पर बनाई इमारतें दुकानों में सख्त कदम उठाते हुए पीला पंजा चला रही है। लोगों को नोटिस जारी करने के बाद भी जो नहीं माने उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के सब डिवीजन दोरू के ऑल डीपीएल और टीडीएल इलेक्ट्रिक कर्मचारियों ने सब डिवीजन दोरू ने अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों और मुद्दों के जल्द से जल्द निवारण की मांग की। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले में हस्तक्षेप करने और प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जेकेसीए की अधिसूचना के तहत अंडर 16 ट्रायल की लास्ट डेट 22 नवंबर थी, लेकिन जब हम वहां ट्रायल के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि ट्रायल पहले ही हो चुके हैं, खिलाड़ी चुन लिए गए हैं, ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि हमारा ट्रायल लिया जाए ताकि हमें खेलने का मौका मिले। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के अशमुजी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सूचना मिलने पर जैसे ही आतंकियों के पास घेरा तंग हुआ, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी को मार गिराया गया है। इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू के विभिन्न विभागों में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दुकानों के बाहर लक्ष्मण रेखा यानी पीली पट्टी खींची गई। जो भी दुकानदार पीली पट्टी के बाहर अपना सामान रखेगा, वो सामान जब्त होगा और उस दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के विरोध में मोती बाजार के व्यापारियों व दुकानदारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय सेना की तरफ से जिला पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में टीमों ने भाग लिया व युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता था। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को नशे के दलदल से दूर करना और खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना था। ये टूर्नामेंट भारतीय सेना की तरफ से पुंछ लिंकअप डे की याद में मनाया गया। यूटी जम्मू कश्मीर में वैसे भी पानी की किल्लत नजर आती है। पुंछ के बस स्टैंड में पीने के पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ एक ही हैंडपंप था जो पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है, जिसकी जिला प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन को इसे ठीक करवाना चाहिए। गरीब यात्री पैसे खर्च कर पानी की बोतलें खरीद रहे हैं। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के जन जागरूकता अभियान के तहत अनंतनाग के ओमो वेरीनाग में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।
जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अधिवेशन में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने भाग लिया। इसमें पूर्व मंत्री रमन भल्ला, हाजिद अब्दुल रशीद डार, शहना नदाफ और अन्य नेता भी मौजूद थे।